हेलो दोस्तों, अगर आपने थाम लिया कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, आपको इसी वीडियो में हम वो गलतियां बताएंगे जो गलतियां कि आपने नहीं करनी है। ठीक है, उससे पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। मैं जो तकरीबन एक साल से मतलब चैनल मैं बनाया हूँ, ठीक है, एंड मेरे सब्सक्राइब भी 1650 के आसपास हो गए हैं, और मेरे पास जो तजर्बा है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि गलतियाँ मैं करता था, अपने चैनल में मेरा चैनल ग्रो नहीं होता था, वो गलतियाँ आपने नहीं करनी है। जो गलती मेरे से हुई है वही गलती का इजहार मैं अभी कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस कैटेगरी से आपने चैनल चूज़ किया है, आपने रेगुलर उसी कैटेगरी की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करनी है। आपने अगर दूसरे की मतलब है, जैसे आज आपने ब्लॉगिंग का चैनल कैटेगरी चूज़ किया, ठीक है, आप वीडियो उसके ऊपर कुकिंग की डालोगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, आपने जो कैटेगरी भी मतलब आपने चूज़ किया ना कोई कैटेगरी तो होगी ना आपकी, उसी कैटेगरी रिलेटेड आपने वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, एंड आपने एक गलती और नहीं करनी है, जो होती है कि जैसे आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप इसको उतारोगे तो अपने चैनल पे अपलोड कर दोगे, आपने ऐसा भी नहीं करना है। जैसे मतलब आप किसी की वीडियो अपने चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड करोगे, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे तो चैनल ग्रो नहीं होगा। सब्सक्राइब तो आपके थोड़े बहुत हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे, लेकिन आप अप्लाई करोगे चैनल मोनेटाइज के लिए तो होगा नहीं, आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा कि आप दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल किए हो। ठीक है, आपने ऐसा भी नहीं करना है। जैसे कि आज वीडियो डाल दिए, उस पर व्यूज़ ही नहीं आया, व्यूज़ आया 2, 4, 5, आपका दिल टूट गया, आपने मतलब वीडियो अपलोड उसके बाद नहीं की है। लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका चैनल ग्रो करेगा, ग्रो हो जाएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो, फेस की वीडियो, ब्लॉग बनाओगे, जो भी आप, जैसे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ कैटेगरी मेरा है, मेरी जो कैटेगरी है, मैं अपनी कैटेगरी रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसे ही बनानी है, जो भी आपकी कोई कैटेगरी होगी उससे रिलेटेड वीडियो बनानी, रेगुलर आपने चैनल पे वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, आपका चैनल ग्रो होने में कोई नहीं रोकेगा। मेरे पास जो भी है ना तजर्बा, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने भी YouTube पे चैनल बनाए थे ना शुरू में, मनोज देव भाई आप सर्च करेंगे YouTube पे तो इस टाइम करोड़ में वो कमा रहे हैं। यार वो भी एक दिन हमारी तरह वीडियो बनाना शुरू किए थे, ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले कुछ तजर्बा था। जैसे YouTube वाले बाबा हैं, उनका भी चैनल है YouTube पे, तो आप सर्च करेंगे तो उनको मिलियन में सब्सक्राइबर हैं एंड व्यूज़ भी आते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो यूट्यूब से, मेहनत करते हैं यार, एंड हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपने भी अगर थाम लिया कि मैंने भी एक यूट्यूबर बनना है, तो जो गलतियाँ आपको मैं बताया हूँ वो गलतियाँ नहीं करनी है। आपका ख्वाब अधूरा रह जाएगा यूट्यूब से पैसा कमाने का, तो अगर आप 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा कर लोगे एंड 1000 सब्सक्राइब भी पूरा कर लोगे तो मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो आपका चैनल ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके साथ ना हो, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया हूं। तो आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल में मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।